वृक्ष की तरह। योग के संदर्भ में कुछ बड़ी बात, योग दूसरा जन्म दिव्य जन्म देता है। मैं बार बार कहता हूं, एक जन्म मां की कोख से, उसको भौतिक जन्म कहते हैं और वो जरूरी है, उसके बिना तो जीवन है ही नहीं ना। जन्म तो मां के कोख से ही होगा। सृष्टि के आदि काल में अलग अलग परंपराएं हैं, हम ये मानते हैं कि हमारा जन्म धरती मां की कोख से हुआ है, कुछ ये मानते हैं कि अमीबा और बंदर आदि से आदमी बना है, अब ये मान्यताएं हैं, एक एक मान्यता के पीछे आधार हैं अपने अपने। खैर, एक जन्म मां की कोख से इसको भौतिक जन्म कहते हैं और दूसरा जन्म योग से इसको दिव्य जन्म कहते हैं। योग से सच में दिव्य जन्म होता है और इस भौतिक जन्म के भी पीछे कई प्रकार के फिर दुख दर्द दुर्बलताएं पराधीनताएं प्रारब्ध दोष भी जुड़े हैं, उसको जेनेटिक रोग कहते हैं, जेनेटिक रोग कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और उसको आध्यात्मिक भाषा में प्रारब्ध दोष कहते हैं। देखो, अब कुछ लोग मेरी इस बात का विरोध करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पूर्व जन्म के कारण से कोई रोग होता है। अरे पूर्व जन्म बोलो या माता पिता के कारण से बोलो, बात तो एक ही हुई। जो पूर्व जन्म नहीं मानते वो मानना ही नहीं चाहते जन्म को। अरे तुम पूर्व जन्म को नहीं मानोगे तो लोगों में अलग अलग मति, अलग अलग भक्ति, अलग अलग कृति, अलग अलग प्रकृति क्यों दिखती है? अलग अलग मति, अलग अलग प्रकार की भक्ति, माने ज्ञान के स्तर पर जो जमीन से आसमान तक के जो फर्क हैं, ये मनुष्य जन्म के इस जीवन के कारण से नहीं है, इसके पीछे कोई प्रारब्ध है। अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं, संवेदनाओं के इतने भेद हैं, जमीन और आसमान का उनमें अंतर, अलग अलग प्रकार के कर्म, अलग अलग प्रकार की निष्ठाएं, अलग अलग प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, इसके पीछे पूर्व जन्म है। तो जन्म जन्मांतरों के दोष आध्यात्मिक भाषा में और वैज्ञानिक भाषा में, आधुनिक भाषा में, या कहें कि हम मॉडर्न मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जेनेटिक रोग, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक कैंसर भी योग से क्योर किया जा सकता है। ये है योग से दिव्य जन्म पाने का सबसे बड़ा प्रमाण, और हमने लोगों का ठीक किया है और उसके पूरे एविडेंस हमारे पास में। आज मैं 25 वर्षों के बाद इस बात को कह रहा हूं, पहले धीरे धीरे एक एक बात मैंने कहनी शुरू की, अब तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के ऊपर योग के अनुभव हम लोग कर चुके हैं, इसलिए इस बात को कह पा रहे हैं। नहीं तो किसी भी तथ्य को, सत्य को प्रामाणिकता से कहना, ये बहुत बड़ी कसौटी होती है उसकी, बहुत बड़े पैरामीटर्स, मापदंड होते हैं उसके। ऐसे नहीं कह दिया जाता मुंह उठा करके कुछ भी बकवास कर दी। खैर, योग से दिव्य जन्म होता है, इसलिए जिनका शरीर गल सड़ गया हो, जिनके शरीर में, जिनके इंद्रियों में, जिनके मन में दोष भर गए हों, अब लगता है कि अब तो उद्धार का कोई मार्ग नहीं नजर आता, उनके लिए योग उद्धार करने वाला है। चाहे शरीर कितना गल सड़ गया हो, इंद्रियों में, मन में कितने दोष आ गए हों, जीवन कितने ही पापों से बोझिल हो गया हो, आप निष्पाप और निष्कलंक हो सकते हैं योग से। जन्म जन्मांतरों के और इस जन्म के भी जितने भी बुरे अभ्यास हैं, चाहे वो प्रारब्धगत हैं दोष, चाहे इस जीवन के अभ्यासगत दोष हैं, उनसे भी मुक्त हो जाते हैं। बाकी रोग तो क्या, इनकी तो बात ही क्या है, इसकी तो औकात ही क्या है, रोग कुछ नहीं है। न तस्य रोगो, उसको रोग नहीं होता। प्रमाण रेफरेंस उपनिषद का, न तस्य रोगो न जरा, उसको बुढ़ापा नहीं आता, न मृत्यु, वो मृत्युंजय ही हो जाता है। अथर्वेद में मंत्र है, वेदों के अलग अलग मंत्र हैं, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युं उपाग्नता, ब्रह्मचर्य के तप से देवता मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, मृत्युंजय हो सकते हैं।
तो ब्रह्म क्या है? बोलो प्राणो ब्रह्मेति, ले जाना प्राण ही ब्रह्म है। तो इसलिए मैं खाली उत्साह ही नहीं जगाता हूं, ये सच है, मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूं। आजकल मोटिवेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है, बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन्होंने हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया खाली बोल करके। मैंने बोल करके भी करोड़ों लोगों का उत्साह जगाया, उनके जीवन में शौर्य पराक्रम जगाया, उनकी निराशा को भगाया है। और मैंने बोल करके ही नहीं, मैंने कर करके भी लोगों को जगाया है, आगे बढ़ाया है।